अगर सबूत न होता तो सत्तर साल ये चलता नहीं। हम लोग सबूत के सहारे ही सत्तर साल चले। अब सवाल यह है कि सरकार का कोर्ट का सारे सिस्टम जो है वो है, जो कुछ जो आप देख रही हो सब उन्हीं के पास है। कोर्ट ने फैसला कर दिया, आपको मानना ही पड़ेगा। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत पहले करते थे कि हम जो भी कोर्ट करेगा, पहले इसलिए करते थे कि पूरे सबूत हमारे पास थे, इसलिए हमने जो है पहले भी कहा करते थे कि जो भी कोर्ट करेगा उसको आप मानेंगे, क्योंकि हमने सबूत पेश किया था। सबूत हमारी मस्जिद से जो पूरी दुनिया देख रही थी कि जो है मस्जिद गिराई जा रही है, ये भी लोग देख रहे थे। सबसे बड़ा फैन हमारा सबूत यही था। रेडियो टेलीविजन भी देख रहा था कि मस्जिद चोरी जा रही है, ये भी लोग जानते हैं। तो हम पहले भी कहते थे जो कोर्ट फैसला करेगा मानेंगे, आज कोर्ट फैसला कर जाए मान लिया। सुन्नी वक्त बोर्ड जो पार्टी है उन्होंने तो कहा कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, आप भी उस चीज से सहमत हैं? देखिए ऐसा है कि हम चैलेंज इसलिए नहीं करेंगे कि चैलेंज करने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहते हैं कि बात को हम लोग बढ़ाना नहीं चाहते, बस फैसला तुमने कर दिया, हमने मान लिया। हम इस बात को न जो है इसीलिए हम चैलेंज करेंगे, न हम कोर्ट जाएंगे। ऐसे जो वकील है ना आपके, मतलब मैं उनको भी जानती हूँ, ईरानी साहब है, तो उन्होंने कल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था कि हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन फिर बयान आया कहा कि हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे, चैलेंज नहीं करेंगे। तो मतलब और आपने भी अपना स्टैंड बता दिया, आपने भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट बॉडी है, वो वही करेगा जो गवर्नमेंट करेगी। अगर नहीं कहेगा उसके ऊपर इतनी जांच सी भी लगा दी जाएगी तो बच्चा बेचारा नदी में कूद के जान दे देगा। पार्टी है वो तो वही करेगा जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनका चेयरमैन है, उनका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं बेचारे, वो कैसे कहेंगे सरकार के खिलाफ नहीं मैं आ रही। तो ये उसी दिन हो गया था जिस दिन मस्जिद गिरा दी गई थी, उसी दिन में मेरे बाप ने कहा था कि अब हम मुकदमा लड़ने नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन वो तो जाते रहे, वो तो फॉर्मेलिटी रही कि हम लोग जाते रहे। मालूम तो उसी दिन हो गया, सुप्रीम कोर्ट मस्जिद को बचा नहीं पाया, स्टेटस को के बावजूद मस्जिद गिरा दी गई, पूरी सरकार उसको देखती रही। उसी दिन मालूम हो गया था कि, और यही कल भी हुआ बता रहे हैं, इसीलिए हम नहीं जाएंगे कि हमें कोई आशा नहीं है। नहीं अब कोई मतलब हम मस्जिद बचाने नहीं गए, जब मस्जिद गिराई जा रही थी तो 10 लाख कार सेवक थे, 10 लाख कार सेवक मस्जिद को गिरा रहे थे, और उसके बाद कभी मुसलमान जब नहीं बोला मस्जिद गिराने गिरा रहे थे, तो उसके बाद भी मुसलमानों का मकान फूंक दिया गया। हम मिले थे एक नहीं पूरे अयोध्या में, हम लोग पूरे अयोध्या के मुसलमानों का मकान फूंक दिया गया। 28 मस्जिदें तोड़ी गई, 16 लोगों को जिंदा जला दिया गया, रिकॉर्डेड जो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड कर, और जो लापता है उनका तो अभी तक नहीं पता है। क्योंकि हमें लगता नहीं जो कुछ सच्चाई उसको हमने सुनकर पता, चैलेंज करने से मेरा कोई फायदा नहीं, चैलेंज करने की न करने से मुसलमानों को नुकसान होगा, जो होना था वो हो चुका है। कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो हमने फैसले को मान लिया। जैसे हम कल से हैं यहाँ पे, हालांकि दोनों समुदाय के लीडर्स हैं, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स भी गवर्न करती हूँ और गृह मंत्रालय भी गवर्न करती हूँ, तो कई लीडर्स ने ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, मतलब अपीलें तो सबकी हुई है, अपील तो प्रधानमंत्री ने भी किया है, तो अपील जो है मौलाना बुलाए गए, स्कूल के प्रबंधक बुलाए गए, नेता बुलाए गए, सब लोग बुलाए गए, सबसे कहा जाए कोई ऐसा काम लोग ना करें, फैसला हमारे हक में आवेगा,
लोग ऐसा कोई काम ना करें, लोग गंगा प्रसाद ना करें, तो ये तो सब पहले बताया गया था। तो इसलिए जो है जब फैसला उन्हीं के हक में आ गया तो गंगा प्रसाद करेगा कौन। तो आपको क्लोजर मिल गया इस मामले का, फैसला आ गया? बिल्कुल आ गया, जो है मुसलमान को कम से कम शांति तो मिल गई।